ओम सात गुरु को आदेश, जो हमारे हिंदू पीर के लिए जो है ये गोल समाधि होते हैं जिनको बैठा के दिया जाता है, मुसलमान समाधि हैं जो उनकी लंबी कब्र होता है। तो हमारी पहचान जो है हिंदू पीर की, ये जो आप समाधि देख रहे हैं ये भी एक समाधि, हमारे नाथ जी की समाधि हैं, जो यहाँ पे छः महीना पे सवा महीना जो है ये पेटी में यहाँ नदी चलता था, और इस नदी के अंदर में जो है छः महीना तक इनकी भजन चलता था, जो सवा महीना तक जो ये ट्रंक के अंदर में पेटी के अंदर में बंद रहते थे। तो वह संत जी की ये समाधि है। तो संतों की समाधि जो है गोल होता है। फिर अघोर पीर की हम समाधि एक आपको और भी दिखाएंगे जब हम जमुना नगर जाएंगे, तो अघोर पीर की समाधि है, वह चौरस समाधि होता है, लंबी समाधि ऐसे नहीं होता है, और चौरस बिल्कुल प्लेन होता है, जो हमारे हिंदू धर्म का पीर की जगह होते हैं। तो सारे प्राणियों से हम यही विनती करते हैं, अगर आप हिंदू पीर की पहचान करना चाहते हैं तो ये गोल समाधि देखिए। अब मुसलमान समाधि की अगर आप बात करते हैं तो उसकी जो है लंबी होता है और उनकी गोलाई नहीं होता है, लंबाई करके जो है फिर वो गोलाई करते हैं। तो हमारे हिंदू पीर में जो है बाबा अघोर पीर बताया है, अघोर घोरों का घोर, अघोर पीर, तो उसकी चौरस समाधि है, यही हमारी पहचान है। और दूसरी बात ये है, जब अगर हम नहीं जानते हैं तो अगर उसके सच्चे मनकामना से हम धूप बत्ती जलाएंगे तो या वो देवी देवता हो या ऋषि मुनि हो या भूत हो, भूतों का भी समाधि होता है, तो वो जरूर दर्शन देता है, जिससे या जीन कहते हैं, तो जीन का भी समाधि होता है, शमशान के अंदर में जीन की समाधि होता है, तो वो भी दर्शन दे देते हैं। अगर दर्शन की अभिलाषा लेना हो तो उनको ज्ञान की लेना हो तो हमको कुछ तप करना पड़ेगा। अब बाकी ऐसे जानकारी के लिए जो है हमारी ये संतों का हिंदू धर्म का जो पीर होते हैं उनकी गोल समाधि है, और जो मुसलमान का है वो लंबी समाधि है। तो जयकारा गुरु महाराज का बोल सच्चे दरबार की जय।